अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके लिए दुश्मन को तबाह करना, दुश्मन को बर्बाद करने का एक तावीज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये नक्श आपने मजबूरी की हालत में करना है, वैसे ही किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करना। किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है, इस अमल से अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा आपका दुश्मन, तो तब आप ये अमल कर सकते हैं। तो ये नक्श आपने, ये जो तवीज़ है, ये आपने इतवार के दिन 1 से 3 बजे के दरमियान लिखना है। और ये तवीज़ आपने काली स्याही से लिख लेना है। लिखने के बाद आपने काले कपड़े में इसको लपेट कर किसी भी वज़नी पत्थर के नीचे दफन कर देना है। दोस्तों, फिर एक बार बता देता हूँ, ये तवीज़ आपने काली स्याही के साथ काले कपड़े में लपेट कर वज़नी पत्थर के नीचे दफन करना है। काली स्याही के साथ एक सफ़ेद कागज़ पर लिखें, ये जो फिरहोन शुद्ध, ठीक है, ये वाला है, ये आपने लिखना है, ठीक है। काली स्याही के साथ सफ़ेद कागज़ पर फिर उसको एक मोम जमा करके उसके ऊपर कपड़ा लपेटें और एक वज़नी पत्थर के नीचे दफन कर दें बस। लेकिन वज़नी पत्थर आपके दुश्मन के घर के करीब हो, ठीक है। आपने नक्श को पाक साफ होकर जिंसी अपना हिसार करके 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने जिस्म पर फूंक कर फिर ये लिखना है। और तवीज़ आपने चाल के मुताबिक लिखना है। सबसे पहले देखें खाना नंबर 1, चाल सामने लिखी हुई है जो सेंटर में है, शुद्ध, ये खाना नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर पर फिरौन है, नीचे कोने में सामने चाल भी बताई हुई है। इसी तरह खाने पूर करने हैं चाल के मुताबिक, पहले पहला खाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये चाल है आपकी दाएं हाथ की तरफ, चाल के मुताबिक पूर करना है। फिर नीचे फलां बिन फलां तबाह हो, बर्बाद हो, यहाँ पर आपने उसका नाम लिखना है जो आपका दुश्मन है। बस इतना सा अमल आपने करना है, बाकी आपने इस अमल पर छोड़ देना है, ये खुद अपना असर करेगा। तो दोस्तों, आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा। अमल पसंद आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अमल करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आप फिर बताते नहीं हैं तो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं तो ये अच्छा नहीं है। आप अमल खुद करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। कोई भी सवाल हो तो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।